दोस्तों हैप्पी इंटरनेशनल अपलाइन डे। दोस्तों आज 2 जुलाई इंटरनेशनल अपलाइन डे के रूप में मनाया जाता है। और अपलाइन डे क्यों मनाते हैं, अपलाइन का मतलब क्या होता है, आपको किन लोगों को अपलाइन मानना चाहिए। दोस्तों अपलाइन एक बहुत ही बड़ा वर्ड है। हर वो इंसान जो आपको कोशिश करता है आपके लाइफ में आगे बढ़ाने की, हर वो इंसान दोस्तों जो आपको सफल देखना चाहता है वो आपका अपलाइन है। सबसे पहले हमारे पेरेंट्स हमारे अपलाइन है, जिन्होंने हमें छोटे से लेके आज बड़ा किया, हमारे ऊपर काफ़ी पैसा खर्चा किया, हमारा ध्यान रखा, राइट, हमारी केयर की, वो हमारे अपलाइन है। सेकंड में आते हैं दोस्तों हमारे टीचर्स जिन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया, और दोस्तों उनके अंदर भी एक आशा थी कि आज जो मैं इसे पढ़ा रही हूँ ये आगे चल के कुछ ना कुछ बनेगा, राइट। उसके बाद में दोस्तों हमारे दोस्त, राइट, हर किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे फ्रेंड होते हैं जो कि हमें पुश करते हैं दोस्तों, जो हमें आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो देखना हमको सफल देखना चाहते हैं, राइट। दोस्तों हर किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमको आगे बढ़ाना चाहते हैं, हमें प्रेरणा देते हैं, हमें सिखाते हैं, हमें समझाते हैं, कई बार हमें डांटते भी हैं अगर हम गलती करें, क्योंकि दोस्तों वो हमारा अच्छा चाहते हैं, वो हमारे अपलाइन है। दोस्तों ये इतना बड़ा वर्ड है, क्या डेफिनेशन मैं इसकी दूँ कि अपलाइन होता क्या है। अपलाइन दोस्तों हर कुछ होता है। अगर हमारे लाइफ में अपलाइन ना होना तो हमारा लाइफ ही लाइफ ना है, राइट। तो दोस्तों जिस तरीके से महाभारत में जो भगवान कृष्ण थे वो अर्जुन के अपलाइन थे, अगर भगवान कृष्ण नहीं होते तो अर्जुन कभी भी महाभारत जीत नहीं पाता, राइट, क्योंकि उसके पीछे जो लर्निंग थी, उसके पीछे अर्जुन के पीछे जो साथ था, जिनका हाथ था, वो दोस्तों स्वयं भगवान थे, राइट। और उसी तरीके से हमारे भी जो अपलाइन है ना, उनका कोई छोटा रोल नहीं है, उनका भी काफ़ी बड़ा रोल है। दोस्तों अगर हमको आगे का रास्ता ना पता हो, हम कहीं चल रहे हैं और हमको दोस्तों किस तरीके से उस रास्ते पे चलना है वही ना पता हो, तो क्या हम चल पाएंगे, नहीं चल पाएंगे ना। इस दुनिया में आए तो दोस्तों हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे माता पिता ही थे जिन्होंने बताया कि हिंदी, उन्होंने बोलना सिखाया, उन्होंने खाना खाना सिखाया, उन्होंने हमको अपना नाम दिया जिससे आज हम पूरे समाज में पहचाने जाते हैं, राइट। उसके बाद में टीचर्स ने हमें दोस्तों बहुत सारी चीज़ें सिखाई जिसके कारण आज हम बोलते हैं कि मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। क्यों हो आप इंजीनियर, डॉक्टर और CA, ये सारी चीज़ें क्यों हो आप, राइट, टीचर्स ने आपको बनाया है, तो वो हमारे अपलाइन है। उसके बाद में अगर आप बिजनेस में हो, आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हो, तो आपके जो अपलाइन है दोस्तों, जिन्होंने आपको इस बिजनेस में एंटर करवाने के बाद आपका साथ दिया, आपको छोटी छोटी चीज़ें सिखाई, ID कैसे बनाते हैं, ऑनलाइन प्रोडक्ट कैसे परचेस करते हैं, आपका साथ दिया, आपने कभी कॉल किया कि सर मुझे प्लान दिखाने जाना है आप भी चलिए, तो वो आपके साथ में गए आपके लिए प्लान दिखाने, राइट, तो वो आपके अपलाइन है। ऐसे लोगों को दोस्तों, ऐसे लोगों का साथ बहुत ही मुश्किल से मिलता है। और अगर आपके पास ऐसे माता पिता, अगर आपके पास ऐसे टीचर्स, अगर आपके पास ऐसे दोस्त हैं, तो दोस्तों आपसे भाग्यशाली कोई भी इंसान इस दुनिया में नहीं है, राइट। इस चीज़ को मानिए, इस चीज़ को दोस्तों दिल में सही तरीके से हमको समझना होगा कि कितना बड़ा इसका वर्ड है। और मैं आपको बताऊं, इस पूरी दुनिया में इंटरनेशनल अपलाइन डे इसीलिए मनाया जाता है कि हम लोगों को सीख देना चाहते हैं, हम ये बताना चाहते हैं कि हर एक इंसान को अपलाइन का किरदार निभाना होगा। अगर इस दुनिया को आगे लेके जाना चाहते हैं ना, सारे लोगों को अगर हम आगे लेके जाना चाहते हैं, तो हमें दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा अपलाइन प्रोड्यूस करने होंगे। हर किसी के अंदर एक अपलाइन की भावना होनी चाहिए, राइट। जिस दिन हर किसी के अंदर अपलाइन की भावना होगी, हर कोई एक दूसरे को इस नज़र से देखेगा कि हम, कि ये सामने वाला आगे कैसे बढ़े, राइट, ये रईस कैसे हो, ये इसके लाइफ में वैल्यू मैं कैसे ऐड कर सकता हूँ। आज हम लोग किस नज़र से देखते हैं लोगों को कि मैं इससे कैसे ले लूँ, मैं इसको कैसे नीचे गिरा दूँ, लेकिन अपलाइन ऐसा नहीं होता। अपलाइन हमेशा ये सोचता है कि मैं इसको कैसे आगे बढ़ाऊँ, ये कैसे सफल होगा। तो दोस्तों हमको और हमारे जैसे जितने भी लोग इस दुनिया में हैं, जो भी बिजनेस करते हैं, जो भी काम करते हैं, हर किसी के अंदर अपलाइन की भावना होनी चाहिए, और वो धीरे धीरे होगा, राइट। और जिस दिन ये भावना दोस्तों हर किसी के अंदर आ गई, उस दिन ये दुनिया चेंज होगी, राइट। तो अपलाइन डे का यही महत्व है कि हर किसी के अंदर अपलाइन की भावना प्रोड्यूस हो, और हम अपने अपलाइन की सम्मान करें, उनको रेस्पेक्ट दें। तो जितने भी अपलाइंस आपके लाइफ में हैं, उनको डेफिनेटली आप सम्मान दीजिए, उनको रेस्पेक्ट करिए, उनको कॉल करिए, मैसेज करिए, उनसे बात करिए, उनको बोलिए भैया थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे लाइफ में हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आपको अपने पेरेंट्स को थैंक यू बोलना चाहिए, आपको अपने टीचर्स को थैंक यू बोलना चाहिए, आपको अपने अपलाइन को थैंक यू बोलना चाहिए जो आपको इस बिजनेस
बिजनेस में सपोर्ट कर रहे हैं, राइट। आपको हर वो इंसान को थैंक यू बोलना चाहिए जो आपको आगे बढ़ाना चाहता है, जो आपकी हेल्प करता है, आपको सपोर्ट करता है, राइट। वो आपका एक सच्चा अपलाइन है। आई होप आप अंडरस्टैंड कर पाए होंगे, आप समझ चुके होंगे कि अपलाइन की कितनी बड़ी महत्वता है हमारे लाइफ में, कितना बड़ा इम्पोर्टेंस है हमारे लाइफ में। और दोस्तों इसीलिए अपलाइन दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, क्योंकि हर किसी के अंदर अपलाइन की भावना आनी चाहिए। और जितने लोग इस मैसेज को सुनेंगे, इस मैसेज को समझेंगे दोस्तों, उनके अंदर एक बदलाव आएगा, राइट। मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट कोई अच्छे से मैसेज में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।